हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी है रात में, दिल्ली से चितकुल के लिए। रात का सफ़र वैसे तो कई मायनों में अच्छा रहता है, अगर आप नाइट ड्राइविंग में कंफर्टेबल हैं तो। एक तो आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता, रास्ता जल्दी कवर होता है और आपकी सुबह पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में होती है। करीब 140 किलोमीटर की ड्राइव के बाद अब मैं आ गया हूँ अपने पहले स्टॉप झिलमिल ढाबे पर, जो कि है करनाल में। मैं दिल्ली के बाद अपना पहला ब्रेक हमेशा यहीं लेता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और मैं भी शिमला पहुंचने ही वाला हूँ। अभी मैं कहीं रुका नहीं हूँ झिलमिल के बाद, और मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं सीधा नारकंडा जाके ब्रेकफास्ट करूँगा। बस मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि शिमला में मुझे जाम ना मिले, क्योंकि अगर शिमला में जाम मिल गया तो मेरी सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। मैं दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को फॉलो करता हुआ शिमला नारकंडा रामपुर ज्योरी टापरी से होता हुआ पहुंचूंगा सांगला, और यहां से रक्षम विलेज जो करीब है 15 किलोमीटर, जहां मैं स्टे करने वाला हूं। मेरी कोशिश यही रहती है कि शिमला को मैं अर्ली मॉर्निंग ही क्रॉस कर लूं, ताकि यहां के ट्रैफिक के जाम से बचा जा सके। दोस्तों वैसे तो ये पूरा ही रूट बहुत खूबसूरत है, लेकिन जैसे ही आप शिमला क्रॉस करके आगे बढ़ने लगते हो ये नज़ारे और भी बेहतरीन होने लगते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये रास्ते खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी हैं। क्या आप रामपुर क्रॉस करते ही दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक इंडो तिब्बतन रोड NH22 पर ड्राइव कर रहे होते हैं। यहाँ के हेयरपिन बैंड्स और ब्लाइंड कर्व्स आपको हर मोड़ पर चौंकाते हैं, वहीं दूसरी तरफ खाई में सतलुज नदी आपके साथ साथ चलती है। इस ब्लॉग में हम लोग निकले हैं चितकुल के लिए। रक्षम हम लोग पहुंच चुके हैं, पहुंचते हुए काफी वक्त लग गया हमें। पहले ट्रिप के मुकाबले इस बार टाइम हमें बहुत ज्यादा लगा। हम लोग रक्षम तो पहुंच गए हैं, कैलाश व्यू कैंप में रुके हैं हम लोग। वेदर एकदम से चेंज हुआ, यहाँ बहुत ठंड है। दिल्ली में हम बहुत ज्यादा गर्मी से आए हैं, उस वजह से शायद छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई। यहाँ लोकल डिस्पेंसरी है, वहाँ पे कुछ दवाइयाँ हमें मिल जाएंगी, तो वहीं के लिए जा रहे हैं। गाइस अभी मैं हूँ रक्षम विलेज के अंदर। जैसे सुबह मैंने बताया था आपको, मैं ठहरा हूँ कैलाश व्यू कैंप के अंदर। यहाँ हमेशा जब भी मैं आता हूँ रक्षम विलेज के अंदर चितकुल की साइड, तो मैं कैलाश व्यू कैंप में ही रुकता हूँ। अभी मैं आपको कैंप्स का व्यू दिखाऊंगा अंदर से। पहले ये कैंप 300 मीटर पहले हुआ करते थे, लेकिन अभी ये इनकी लोकेशन चेंज हुई है। आइए मैं आपको अंदर कैंप व्यू कराता हूँ। यकीन मानो दोस्तों, ये जगह बहुत खूबसूरत है। शहरों की और रेगुलर टूरिस्ट प्लेसेस की भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर एकांत में है ये जगह। और ये जगह ख़ास तौर से मैं उन्हीं लोगों को रेकमेंड करूँगा जिन्हें नेचर के करीब रहना पसंद है, जो लोग भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते। यहाँ आसपास ना तो कोई बहुत ज़्यादा होटल्स हैं और ना ही मार्केट। यहाँ के लोग भी अपना सामान वगैरह सांगला से ही खरीद कर लाते हैं, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और हॉस्पिटैलिटी में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते। मैं पहले भी यहाँ वैसे 3-4 बार आ चुका हूँ। अब कई लोगों को ये रास्ता लंबा लगता है कि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत लंबा है, काफ़ी वक्त लगता है। कुछ लोग बीच में एक रात का स्टे भी लेते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन एक बार यहाँ पहुँचने के बाद सब अच्छा लगता है, सारी थकान उतर जाती है। का व्यू बहुत ही अमेजिंग, टेम्परेचर का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन ठंड बहुत है। ये है कैंप का डाइनिंग एरिया, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। मीन्स आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि शहर से इतनी दूर इस वीराने में आपको इतना अच्छा फूड और वो भी फ्रेश मिल पाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, अब हम लोग यहाँ रक्षम से निकल रहे हैं अपने आगे चितकुल विजिट के लिए। 8 किलोमीटर है यहाँ से हमारे कैंप से, और करीब 1 घंटे का वक्त लगना चाहिए, क्योंकि रास्ता बहुत नैरो है। दो ही गाड़ी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग नहीं जा रहे, तो इसलिए आज रेस्ट पर है फॉर ए चेंज।
रक्षम से चितकुल तक 8 से 10 किलोमीटर तक का ये रास्ता अगेन थोड़ा सा डेंजरस है और नैरो भी है, पर साथ ही नेचुरल ब्यूटी से भरा पड़ा है। यकीन होना मुश्किल हो जाता है कि ये घाटी अपने अंदर इतनी खूबसूरती समेटे हुए। लेकिन दोस्तों होता यह है कि चितकुल पहुंचते पहुंचते भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि हमने यहाँ रुकना प्रेफर नहीं किया और ऊपर से पार्किंग प्रॉब्लम भी थी, तो इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से आगे 3 किलोमीटर जाने के बाद इंडिया की आखिरी आईटीबीपी पोस्ट है। और इसके आगे जाना मना है, यहाँ से आगे इंडिया चाइना बॉर्डर है। और इसी के साथ दोस्तों सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी प्रोहिबिटेड है, तो इसलिए इसके आगे की वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता। आईटीबीपी पोस्ट पर कुछ वक्त बिताने के बाद हम वहां से वापस अपने कैंप की तरफ चल पड़ते हैं। आज हमारा लास्ट डे है रक्षम कैंप के अंदर और इत्तेफाक से हमारे साथ एक छोटा बच्चा आया हुआ है, उसका बर्थडे है। इतना अच्छा मौसम है यहाँ पर जून के महीने में, जून के लास्ट में, जबकि दिल्ली के अंदर पीक समर सीज़न है और गर्मी से लोग बेहाल हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हो आप ट्रिपल लेयर मैंने पहने हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये किचन है कैंप की और यहाँ हमारा शाम का फूड प्रिपेयर हो रहा है। अब आपको वो ये डेकोरेशन थोड़ी सी की है हम लोगों ने, जो भी लोकल हमें मार्केट से सामान मिल पाया कुछ हम अपने साथ लाए थे। अब मैं आपको कैंप दिखाता हूँ, लेकिन हाँ मैं पहले बता दूँ कैंप पूरा बिखरा हुआ है हम लोगों का, तो सामान की तरफ ध्यान मत देना। ये मेरा छोटा बेटा सोया हुआ है, आज इसने खूब धमा चौकड़ी की है तो थक गया शायद। ये छोटा सा कैंप है लेकिन अच्छा कोजी है और बहुत कंफर्टेबल है। वॉशरूम बनाया है उन लोगों ने और जो कि काफ़ी अच्छा है कैंपिंग के हिसाब से। और ये हमारे कैंप के साथ में कपल है, न्यूली मैरिड कपल है, शतरंज खेल रहे हैं ये लोग और पिछले कई दिनों से यहीं रुके हुए हैं। बाय। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ कैंप के पीछे का व्यू, जो व्यू दिखाया था वहाँ तक जाने का रास्ता है। पहाड़ों के घर, पहाड़ों की जगह, उनकी बात ही कुछ और है। ये देखिए सुंदर सा रास्ता, इस सुंदर सी जगह पे जाने का। दोस्तों है कोई मुकाबला इस जगह का? ये
ये वो जगह है जो हम कहानियों में सुनते हैं। आपको लेके चलते हैं जहाँ से ये पानी एक्चुअल में आ रहा है। सारा एरिया ये दलदल में कन्वर्ट हो चुका है, इससे आगे जा नहीं पाएंगे। वो देखिए वहाँ से ये पानी आ और वो रहे कैंप। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि एक छोटा वीकेंड गेटअवे कौन सा होना चाहिए। वीकेंड तो नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन एक से दो दिन आपको एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और ये जगह स्पेशली कैसी लगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम अपने कैंप्स को छोड़ आए हैं वहाँ पर। आज निकले हैं दिल्ली के लिए और ये है गाँव की मेन एंट्री। रक्षम विलेज की मेन एंट्री है ये, और यहाँ ऊपर एक गाँव का पुराना मंदिर है, हम वो विज़िट करने जा रहे हैं। हालांकि मंदिर अभी बंद है, टाइमिंग नहीं है। अगर आप कभी भी यहाँ आएँ तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी ही खूबसूरत लोकेशन पे एस्टेब्लिश है ये मंदिर और ये गांव। और कैंप से ये थोड़ा सा ही बस वॉकिंग डिस्टेंस है। अगर आप ट्रैक करना चाहें तो पक्का रास्ता भी बना हुआ है यहाँ से। और आज तो मौसम बहुत ही गजब का हो रहा है, हल्की हल्की बारिश पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन आई क्रॉस माई फिंगर के बारिश इससे ज़्यादा तेज ना हो, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है वापसी में भी। ये है गांव की मेन एंट्री। ये गांव के छोटे छोटे लकड़ी के खूबसूरत से घर और ये पतला सा रास्ता बीच गलियों में से होते हुए। बहुत ही खूबसूरत घर हैं ये सारे। गांव का रास्ता बहुत ही खूबसूरत, छोटे छोटे लकड़ी के ये घर बने हुए हैं जो कि देखने में लग रहा है काफ़ी पुराने हैं। गांव में चहल पहल नहीं है बिल्कुल भी, शायद सब लोग काम पर गए हुए हैं अपने। इस समय 11 बजे का टाइम है। ये लकड़ी की जो स्टोरेज आप देख रहे हैं, अक्टूबर से ये यहाँ पर स्नोफॉल शुरू होनी शुरू हो जाती है। हम पहुँच गए हैं देव मंदिर में। ये मंदिर का वो हिस्सा है जहाँ पर ये लोग, इनके अपने रिचुअल्स हैं बलि वगैरह देने के। मंदिर में एक्चुअली में जाने की परमिशन नहीं है किसी को भी। विजिटर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इन मेन हॉल ऑफ दिस टेंपल। क्या कर रहे हैं भैया, ये क्या चीज़ है बताएंगे? ये क्या चीज़ है, आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, आप लग रहे हो बहुत बढ़िया लग रहे हो, आप सुंदर लग रहे हो। ये पूछो ना, ये बाल किसके हैं? बाल का है। किसके हैं? ये आपके हैं? चौर गाय का है। चौर गाय, चौर गाय के बाल है। नहीं आता है। ये किसके काम आता है आप बताओगे? मुझे दिखाना। अंकल, इस काम क्या है? ये चौर गाय का है। हाँ, चौर गाय का बाल है। इससे आप क्या कर रहे हो? ये है, क्या कर रहे हो इस टाइम? इससे इसमें हाई गुड तुमेंगे, फिर मोटा लगाएंगे, तब फिर वो इस फॉर्म में तैयार करेंगे।
तो ये है मेन मंदिर, जहाँ पर यहाँ पर भी किसी को आना अलाउड नहीं है, ये इनके अपने कस्टम्स हैं। उसके जो सींग है वो यहाँ लगाए हुए हैं। गांव का कुछ और हिस्सा आपको दिखा देता हूँ मैं, जो कि मुझे खूबसूरत लग रहा है और मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि आगे जाऊँ। पहाड़ी की चोटी पे बने हुए घर, लेकिन अभी यहाँ लोकल गांव वालों से बात की तो पता चला कि 2002 में ये गांव पूरा जल गया था। मीन्स कुछ भी नहीं बचा था यहाँ पर, सिर्फ किसी तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाई थी। उसके बाद से आज तक यहाँ की रीडेवलपमेंट चली रही है लगातार। अभी भी कुछ घर हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब निकलते हैं दोस्तों इस गांव से, वापसी का सफ़र तय करते हैं अपना और देखते हैं अगला स्टॉपेज कहाँ लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मेनली जो खेती होती है वो होती है आलू की। आपने सुना भी होगा पहाड़ी आलू, और यहाँ का आलू फेमस भी है काफ़ी। आलू की खेती है और राजमा है, खुमानी है, सेब है, यहाँ की मेन जो है। गाइज, रक्षम चितकुल के अपने कई ट्रिप्स के एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपसे एक आइटनरी शेयर कर रहा हूँ। अगर कभी आपको इधर जाना हो तो आप ये आइटनरी भी फॉलो कर सकते हैं। अपने प्लान में आप टोटल 5 दिन रखें, और अगर आप मेरी ही तरह दिल्ली से आ रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप दिल्ली से 5 या 6 बजे शाम को निकलें, और इस तरह से आप कम्फर्टेबली नेक्स्ट डे 12-1 बजे तक रक्षम पहुँच जाएंगे। अब या तो आप रक्षम में ही 3 दिन का स्टे कर लें, या 2 दिन रक्षम और 1 दिन चितकुल, और वाइस वर्सा। फोर्थ डे आप यहां से अपनी वापसी की जर्नी शुरू करें। अब गाइज, क्योंकि आप वापसी की जर्नी दिन में शुरू करेंगे तो नेचुरली आपको टाइम ज़्यादा ही लगेगा, और मैक्सिमम आप शिमला तक ही पहुंच पाओगे। तो मैं यहां रिकमेंड करूंगा कि आप शिमला ना रुककर नारकंडा रुकें, और अगले दिन आप नारकंडा से दिल्ली के लिए ट्रैवल करें। स्टे के लिए आप रक्षम में कैलाश व्यू कैंप भी रुक सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगा। या इसके अलावा भी अब यहां कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और चितकुल में भी होटल और कैंप्स के कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी बुकिंग्स कंफर्म होने के बाद ही यहां आएं। तो दोस्तों, सांगला पहुंच गए हम लोग। 1 घंटे का वक्त लगा पहुंचने में, 15-16 किलोमीटर का डिस्टेंस है रक्षम विलेज से सांगला का। और रास्ता ख़राब होने की वजह से थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, अदरवाइज़ तो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। इस एरिया की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है सांगला की, तो आसपास के जितने भी विलेजेस हैं वो अपना सामान लेने इसी मार्केट में आते हैं। क्योंकि हम किन्नौर वैली में हैं, किन्नौरी राजमा बहुत फेमस है, और बड़े अफसोस की बात है दोस्तों, राजमा हमें मिले नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है। बस अब निकलते हैं आगे शिमला तक के लिए, और देखते हैं बीच में कहाँ रुकना है। मॉर्निंग गाइस, रात को नारकंडा में हमें ठहरने के लिए कुछ भी नहीं मिला, होटल सारे फुल थे। एक्चुअली रूम्स ज़्यादा चाहिए थे, तो किसी भी होटल में एक साथ इतने रूम्स अवेलेबल नहीं थे,
कहीं पर दो थे तीन थे, हमें पांच रूम चाहिए थे। तो बस चलते रहे नारकंडा से आगे, 10 किलोमीटर आगे आने के बाद हमें यहाँ पर एक होम स्टे मिला। तो काफ़ी ना नुकर करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया चलो रुक जाते हैं, हमने अब चांस लिया, इट्स वर्थ टेकिंग। एक्चुअली रूम्स ओके थे लेकिन फूड वॉज अमेजिंग, एवरीथिंग डिनर ब्रेकफास्ट सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, सर्विस भी बहुत अच्छी थी। और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, प्लान किया है दिल्ली जाने का लेकिन क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं तो सबकी बात माननी पड़ती है। शिमला विज़िट करेंगे, मॉल रोड घूमेंगे, फिर वहाँ से 2-3 घंटे का ब्रेक लेके फिर दोबारा दिल्ली के लिए अपनी जर्नी शुरू करेंगे। विलेज में शिमला यहाँ से करीब करीब 50 किलोमीटर रह गए। मतियाना की काफ़ी अच्छी बड़ी मार्केट है लोकल रीजन के हिसाब से। वैसे नॉर्थ इंडिया में ये सबसे ज़्यादा पीक सीज़न है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आया हुआ है इस टाइम, तो कोशिश करें आप अगर आप अवॉइड कर सके इस पीक सीज़न को, क्योंकि सर्विस वगैरह का इशू आ जाता है, ओवर प्राइस होती हैं चीज़ें सारी, होटल्स नहीं मिलते, बुकिंग के बावजूद भी दिक्कत आती है। क्रॉस करते ही बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था और अब ये जाम जो है धीरे धीरे चलना शुरू हुआ है। पहुंच चुके हैं और मॉल रोड की तरफ से जा रहे हैं, पूरा पीक टाइम लग रहा है मार्केट का, अच्छी खासी भीड़ है लोगों की, ट्रैफिक भी अच्छा है। मॉल रोड के लिए पार्किंग थोड़ा ही आगे है, पहले पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके पैदल का रास्ता है। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड शिमला मॉल रोड, 2 घंटे की भरपूर मशक्कत के बाद पार्किंग की जगह मिली और एज एक्सपेक्टेड मॉल रोड पूरा ऑक्यूपाइड है, जहाँ देखो वहाँ टूरिस्ट है। पार्किंग के लिए भी हमें बहुत जंग लड़नी पड़ी लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बात अच्छी दिख रही है कि वेदर, इट्स अमेजिंग हियर। ये शिमला की खूबसूरती ही है जो यहाँ हमेशा हर साल इतने टूरिस्ट आते हैं, और आए भी क्यों ना, जब ऐसा मौसम देखने को मिलेगा तो लोग ज़रूर आएंगे। गाइस मैं इस समय खड़ा हूँ चर्च के पास लेकिन चर्च दिखाई नहीं दे रहा, शिमला की ऊंचाइयों में चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा। और आज यहाँ शिमला में बुक फेयर लगा हुआ है, वो देखिए मेरे पीछे ये बुक फेयर लगा हुआ है। लोग निकल चुके हैं शिमला से, करीब 7:30 बजे निकले थे लेकिन पार्किंग ऑर्डर्स और टूबच के उसके चक्कर में ट्रैफिक बहुत है, जाम लगा हुआ था, सारी एनर्जी लूज हो चुकी है। इवन अभी भी देखो ट्रैफिक जाम है, कंडा घाट पहुँचे अभी, अच्छा खासा जाम लगा हुआ है कंडा घाट में। तीन घंटे गाड़ी पार्क करने के लिए हमने
तीन गुना कीमत पे की है। चार्जेस से नॉर्मल पार्किंग के 100 रुपीज फॉर 12 आवर्स, हम लोगों ने पे किए 400 फॉर 3 आवर्स। ये सब चीज़ें रहती हैं, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है पीक सीजन में। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।